समय मैं सिद्रा हाईवे पे हूँ और ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर देर रात की एक खबर मिलती है कि एक सीरियस ब्लास्ट जो है वो हुआ है। यही वो जगह थी, यही वो स्पॉट था, यहाँ पर धमाके की आवाज़ जो थी वो आई थी। हालांकि अभी डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है, कुछ इन्वेस्टिगेशन के लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के अधिकारी देखिए रात से यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं, बाकायदा उनकी जो गाड़ी रहती है, अगर बात करें हाईवे पेट्रोलिंग की, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि देखिए आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर डॉग स्क्वाड जो है वो मौजूद है और इस तमाम एरिया को खंगाला गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इस जगह को पूरी तरह से बैरिकेटिंग किया गया है और यहाँ पर यहाँ से आगे जो है वो कोई नहीं जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, अंदर डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है और इस एरिया को चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे क्या मंशा रही, क्या वजह थी, क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक था या फिर ये कोई, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर शायद कोई टायर फटने की आवाज भी हो सकती है। तो पुलिस जो है वो इसमें कोई भी जो है शक शोभा छोड़ना नहीं चाहती, इस वजह से यहां पर देख ही सकते हैं आप ये तस्वीरों में डॉग स्क्वाड जो है वो सामने नजर आ रहा है आपको और किस तरीके से इस पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है। यही वो एरिया है, हाल ही में इसे जो है इस मेन गेट के एंट्रेंस की बात करें, अगर आप सिद्रा से आते हैं और आप पंचतीर्थी की तरफ जाते हैं तो आपको यही एंट्रेंस से होकर जाना पड़ता है। ये अभी हाल ही में इस गेट को बनाया गया था और उसी जगह पर मेन एंट्रेंस पे साइड में ये ब्लास्ट जो है वो हुआ है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह रही, क्या था, लेकिन देख सकते हैं कि पूरे एरिया को किस तरीके से खंगाला जा रहा है, चप्पे चप्पे को इस जगह को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है कि इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह रही है और ये ब्लास्ट जो था क्या वो कोई सीरियस ब्लास्ट था, यानी कि कोई टेररिस्ट अटैक था इसके पीछे, वो टेररिस्ट का हाथ था या फिर कोई नॉर्मल हादसा जो है वो था, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शायद कोई गाड़ी यहाँ पर हिट हुई है और उस गाड़ी हिट होने के बाद टायर फटने की आवाज़ भी हो सकती है। हालांकि मिस्टीरियस ब्लास्ट है, इस पर अभी कुछ भी कहना जो है वो नामुमकिन है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इस ब्लास्ट को जो है नॉर्मल में नहीं ले रही है, बाकायदा सीरियसनेस जो है वो दिखाई जा रही है। बाकायदा डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर मौजूद है, सुबह से ही यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह रही है। यहाँ पर पुलिस की पूरी तरह से जो है वो चौकसी बरती जा रही है, आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर। दूसरी तरफ आज VIP मूवमेंट इस वजह से यहाँ से गाड़ियाँ जो है उन्हें भी लो नहीं किया जा रहा है, यानी कि इस हाईवे से आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो पैदल जो है वो मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। इसकी वजह यह है कि आज VIP मूवमेंट है, ऊपर बताया जा रहा है कि गवर्नर LG जो है वो ऊपर आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर पब्लिक जो है उसे सफर करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यही वो जगह थी इस एरिया में जो है वो देर रात समय जो है वो एक ब्लास्ट होता है, धमाके की आवाज़ आती है और धमाके की आवाज़ से जो है ये खबर जब फैलती है तो उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस बाकायदा देर रात को भी यहाँ पहुँची थी और अभी भी आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड जो है वो भी मौके पर मौजूद है और वो इस एरिया को खंगाला जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप तक साझा कर दी हैं, जैसे कोई बड़ी अपडेट इस मामले से जुड़ी मेरे पास पहुंचेगी मैं आप तक जरूर साझा करूंगा, लेकिन धमाका तो हुआ है, धमाके के पीछे मंशा क्या है और आखिरकार किस वजह और किन कारणवश हुआ है ये इन्वेस्टिगेशन का पात्र है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे कोई अपडेट पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से हमारे पास पहुंचेगी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इधर डोरा के साथ शूम लगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।